तो भाई जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डायरिक ने गुटियान को बंदी बना लेता है और हाउयान से कहता है अगर तुम बाहर निकलकर मुझे वो बॉक्स नहीं दोगे तो मैं गुटियान को मार दूंगा। तो भाई आज के इस पार्ट में देखेंगे कि हाउयान बाहर निकलकर गुटियान को शूट करता है, पर असल में ये इसकी चाल होती है। फिर वह दोनों मिलकर सबको फिनिश कर देते हैं। फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी पीछे से डायरेक्ट हाउयान को शूट कर देता है, जिसे गुटियान अपने शरीर पर ले लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हाउयान गुस्से में डेरिक के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है, पर तभी देखते हैं कि डेरिक हाउयान को पत्थर से काफ़ी हट कर देता है। फिर डेरिक हाउयान को मारने वाला ही होता है कि हाउयान एक ग्रेनेड को वहीं अपने ऊपर फोड़ लेता है। ऐसा करते ही उस बॉक्स में से जो स्टोन था उसकी एनर्जी हाउयान के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाउयान के शरीर से काफ़ी वेव्स निकल रही थी और डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसके सेल्स कई गुनी रफ्तार से बनने लगती हैं। तभी उसको होश आ जाता है और उसे बॉडी में सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया को, जो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी, उसके कुछ लोग उसे ले जा रहे होते हैं और चबी ने ऑर्डर नहीं मानने होते हैं, इसीलिए उसे फैंटम टीम से निकाल दिया जाता है। स्क्वाड लीडर हाउयान को ब्लेम किया जाता है कि उसने चबी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया और मिशन के बाद से वह गायब है। गवर्नमेंट मीटिंग ने हाउयान को पकड़ने के लिए सभी डिपार्टमेंट में सीक्रेटली बोल दिया जाता है। सीन कट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि हाउयान सो रहा था। अभी भी उसे सारे अपने दोस्तों के मौत के ही सपने आ रहे होते हैं और हमें देखते हैं कि हाउयान एक नशेड़ी बन चुका होता है। उसे अपनी पावर को अभी तक भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। वह याद कर रहा होता है कि जब वह खाई में गिर गया था तो वह उस जगह वापस जाता है। वहां उसे गुटियान का लॉकेट मिलता है। वह गुटियान को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब हुआन जब उस दरवाजे को खोलता है तो वह गुटियान की सिस्टर होती है। वह हाउयान को बताती है आज मैं एक साइंटिस्ट बनने वाली हूँ, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दोगे। हाउयान कहता है कि कोई तुम और जॉब क्यों नहीं ले लेती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में वह ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि उसे कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। फिर वह काम जाने लगता है, तभी गुजियाओजी कहती है जल्दी आना काम से, मैं तुम्हारे लिए डिशेस बनाकर रखूंगी। हाउयान इसके लिए मान जाता है। इन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिटी की न्यूज़ की तरफ, जिसमें बताया जा रहा था आज सुबह एक ब्लू बॉडी डेथ इंसिडेंट का केस सामने आया है और यह भी बताया जा रहा था इन सभी डेथ के पीछे वू लाला एक एनिमी का हाथ है। जहां एक न्यूज़ रिपोर्टर बता रही है कि यह 13वां इंसिडेंट है जिसमें पूरी बॉडी ब्लू लिक्विड की बन जाती है। तभी हमें हाउयान को दिखाया जाता है कि वह कुछ पुलिस वाले उस पर शक हो जाता है। हाउयान उनकी नज़रों से बचते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है और एक आदमी से मिलता है। वह आदमी हाउयान को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाउयान कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ। आदमी कहता है तुम्हें कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुमने मुझसे स्टोर रूम रेंट में लिया है मैं उसे अगले हफ्ते तुमसे ले लूँगा। गवर्नमेंट तुम्हें पहले ही ढूंढ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें और नहीं रख सकता, इसीलिए तुम कहीं और चले जाओ। हाउयान कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम मेरा भी रेंट रिटर्न कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह बात सुनकर वह आदमी कहता है कि कौन सा रिफंड, तुम मुझे भोली बिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हो। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है अपने बेटे के साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक विलेन को जो कि एक लड़की को अपना टारगेट बना रहा होता है। वहाँ जैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये वही विलेन वू लाला है। तो भाई अगले सीन में दिखाया जाता है वह इनविजिबल होकर उसका पीछा करने लगता है। तभी देखते हैं उस लड़की को जो अपनी कार में जा रही होती है, पर अचानक से वहाँ लाइट फॉल्ट होने लगती है और फिर वह विलन उसके सामने आ जाता है। इधर उसी बिल्डिंग में मौजूद हाउयान को कुछ गड़बड़ लगता है तो वह इधर उधर चेक करने लगता है। हमें दिखाते हैं उस विलन को जो उस लड़की के पास ही जा रहा होता है। लड़की काफ़ी घबरा गई होती है और हेल्प के लिए बुला रही होती है। तभी हाउयान उसके सामने आ जाता है, पर तब तक वह विलन उस लड़की को इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से उस लड़की की बॉडी ब्लू में ट्रांसफ़र होने लगती है। तो गाइस यहीं पर आज का ये पार्ट एंड होता है, तो नेक्स्ट पार्ट भाई कल आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई यार सब्सक्राइब और वीडियो को यार लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय।